ओके सो हे गाइज, माई नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सरपेबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडी कमांड के बारे में। ये हमारे लिनक्स की दूसरी कमांड है, तो आज हम देखेंगे सीडी कमांड क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, और फिर हम इसका लाइव डेमो देखेंगे कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने लिनक्स के टर्मिनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके सो द सीडी कमांड इन लिनक्स इज यूज टू चेंज द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो बेसिकली जो सीडी कमांड होता है, इसे मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और इसे हम यूज़ करते हैं जब हम डायरेक्टरी को चेंज करना होता है। जैसे हम विंडोज़ में क्या करते हैं कि हम घर जाते हैं सी ड्राइव, मान लो जाते हैं डी ड्राइव में। अब डी ड्राइव में मान लीजिए आपका नाम का कोई फोल्डर है, जैसे फोल्डर नंबर ए, आप उसके अंदर चले गए डबल क्लिक करके। फिर उसके अंदर बी फोल्डर है, उसके अंदर जाना होता है, क्या करते हैं डबल क्लिक करते हैं माउस का, फिर उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन हम लिनक्स में हम यूज़ करते हैं सीडी कमांड का, ठीक है। बाय एंटरिंग सीडी फॉलोड बाय द पाथ टू ए डायरेक्टरी यू कैन नेविगेट टू दैट डायरेक्टरी इन द फाइल सिस्टम। तो बेसिकली वही बात है, जब हमें अपने डायरेक्टरी को चेंज करना होता है, फॉर एग्जांपल हम ए डायरेक्टरी के अंदर हैं और ए डायरेक्टरी के अंदर बी डायरेक्टरी है, और हम चाहते हैं बी डायरेक्टरी में जाना, तो हम सीडी फिर स्पेस और बी लिखेंगे तो हम बी डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे। या फिर कोई और डायरेक्टरी है किसी और लोकेशन पर, तो हम उसका एब्सोल्यूट पाथ देते हैं, फिर वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सीडी, यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट पाथ शुरू होता है, जो कि शुरू होता है रूट से, यह स्लैश का साइन है, जो रूट का साइन है, रूट, रूट के बाद होम, होम के बाद यूज़र, तो यूज़र की लोकेशन पे हम डायरेक्ट सीडी के थ्रू जा सकते हैं। दिस वुड चेंज द करंट डायरेक्टरी टू द यूज़र डायरेक्टरी विद इन द रूट होम डायरेक्टरी। तो बेसिकली हम एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू और रिलेटिव पाथ के थ्रू दोनों तरीके से हम सीडी कमांड के थ्रू हम डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब डेमो की तरफ, अब देखते हैं हम इसे कैसे काम करते हैं और इसे कैसे डायरेक्टरी को हम चेंज करते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं उबंटू के मशीन में, यहाँ से हम अपने टर्मिनल को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, हमारा टर्मिनल स्टार्ट हो चुका है, तो हम यूज़ कर सबसे पहले कमांड जो है कि ls यूज़ किया हमने। अब यहाँ पर देखो एक डायरेक्टरी है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये इमरान नाम की डायरेक्टरी है, इसके अंदर ही बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं। जैसे कि मैं करूँ ls -R इमरान, अब देख सकते हैं इमरान के अंदर यश नाम की डायरेक्टरी है, यश के बाद है राघव नाम की डायरेक्टरी। तो बेसिकली हमारा इस इमरान के अंदर दो डायरेक्टरी और हैं, यश और राघव। सो अगर हमें जाना है डायरेक्टरी इमरान के अंदर तो हम कैसे जाएंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन जब भी बात आती है, आपको पता करना है कि हमारी करंट लोकेशन क्या है, वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो हम लिखते हैं pwd, फिर करते हैं इंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पाथ आ चुका है होम, होम के बाद हमारा यूज़र नेम है जो कि है जेसन, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब हमें जाना है बेसिकली इमरान नाम के डायरेक्टरी के अंदर, तो कैसे जाएंगे, हम लिखेंगे cd स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे डायरेक्टरी का नाम जो कि है इमरान, फिर करते हैं एंटर। तो अब हम इमरान नाम डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं, अब हम करेंगे pwd फिर इंटर। तो हम आप देख सकते हैं यहाँ पे जेसन के बाद यहाँ पे इमरान लिख करके आ गया, और हमारा टर्मिनल जो मेन प्रॉम्प्ट है जहाँ पे हमारे यूज़र नेम और होस्ट नेम लिखा होता है, यहाँ पे भी इमरान नाम का फोल्डर यहाँ पे शो कर रहा है, यानी हम इमरान नाम डायरेक्टरी के अंदर अभी काम कर रहे हैं। अब हम करते हैं ls, तो यहाँ पे एक और डायरेक्टरी है जिसका नाम है यश, तो हम करते हैं एक बार cd यश। तो हम अब यश के अंदर आ चुके हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, उस वक्त हम करेंगे pwd, तो हमारा लोकेशन भी यहाँ पे आ चुका है होम, होम के बाद जेसन, जेसन में इमरान, फिर यश। ओके सो एक बार हम टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं, फिर करते हैं ls। अब यहाँ पे है राघव, तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये हो गया जो हम काम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ, यानी कि जहाँ पे हम एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके आगे का हम काम करें। अब हमें डालना है एब्सोल्यूट पाथ, तो हम कैसे डालेंगे, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं pwd, ये हमारी एब्सोल्यूट पाथ है डायरेक्ट यश में आने की। तो बेसिकली हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम अभी काम कर रहे हैं यश नाम की डायरेक्टरी के अंदर, अब हमें जाना है डायरेक्ट होम डायरेक्टरी पे, जहाँ पे हमने टर्मिनल स्टार्ट किया था। तो हम सिर्फ लिखेंगे cd स्पेस देंगे और एंटर कर देंगे, तो हम डायरेक्टरी पे आ जाएंगे अपने होम डायरेक्टरी के अंदर। फिर करो pwd,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम होम डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं। तो आप कहीं भी हो, किसी लोकेशन पे हो, आप सीडी लिखोगे तो बेसिकली आप होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाओगे। ओके, अब हमने काम किया था रिलेटिव पाथ के थ्रू। जैसे हमें अगर जाना था इमरान के अंदर तो हम लिखता सीडी इमरान, फिर सीडी यश, तो हम यहाँ पे ऐसे काम कर रहे थे। हम करते हैं सीडी और एंटर करते हैं तो हम आते हैं होम डायरेक्टरी पे। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट पाथ का, तो हम करेंगे सीडी। हमने जो लोकेशन कॉपी कर रखी थी हम बेसिकली राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। ये है एग्जैक्ट पाथ, यानी इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ, कि हमें होम में जाना है, होम के बाद जेसन में जाना है, जेसन के बाद इमरान के अंदर जाना है, फिर जाना है यश के नाम के डायरेक्टरी के अंदर। तो हम करते हैं यहाँ से एंटर, तो आप देख सकते हैं हम डायरेक्ट यश के अंदर आ चुके हैं। तो बेसिकली आपको पूरा पाथ पता होना चाहिए सही तरीके से कि आपकी डायरेक्टरी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी है, फिर उसके अंदर कौन सी डायरेक्टरी है, फिर इस तरीके से आप एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू डायरेक्ट उस डायरेक्टरी के अंदर आ सकते हैं। ओके, हमने सीख लिया कि रिलेटिव पाथ के थ्रू कैसे आ सकते हैं और एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू कैसे आ सकते हैं। अब हम देखेंगे हमें एक स्टेप पीछे जाना हो तो हम कैसे जाएंगे, दो स्टेप आगे जाना पीछे जाना हो तो कैसे जाएंगे। बेसिकली हमने आगे जाना तो सीख लिया, बात करते हैं पीछे कैसे जा सकते हैं। पीछे जाने के लिए मान लो कभी हम यश नाम की डायरेक्टरी के अंदर हैं, हमें जाना ही इमरान नाम की डायरेक्टरी के अंदर, यानी वन स्टेप बैक। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, लिखेंगे सीडी स्पेस देंगे डबल डॉट, ठीक है, बिना स्पेस का, फिर हम करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं हम इमरान नाम डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं, पीडब्ल्यूडी करके चेक कर सकते हैं। अब हमें दो डायरेक्टरी आगे जानी हो, ठीक है, वो भी रिलेटिव पाथ के थ्रू, तो हम लिखेंगे सीडी यश, यश के बाद क्या है राघव है, राघव, ठीक है। आप बेसिकली कुछ कैरेक्टर लिख के सिर्फ टैब दबाएंगे कीबोर्ड का तो वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, ठीक है, फिर हम करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं हम अभी राघव नाम के डायरेक्टरी के अंदर हैं, जो कि है हमारे इमरान, इमरान के बाद यश, यश के बाद राघव नाम की डायरेक्टरी। ओके, अब हमें क्या करना है कि हम एक स्टेप पीछे तो आ चुके हैं, अब हम चाहते हैं दो स्टेप पीछे जाना बेसिकली, यानी हम चाहते हैं कि राघव के डायरेक्टरी हम अभी हैं यहाँ पे, बेसिकली यहाँ से जाए यश, यश के बाद इमरान, यानी दो स्टेप पीछे। तो दो स्टेप पीछे जाने के लिए हमें यूज़ करना है सीडी डबल डॉप, वन स्टेप पीछे हो गया, फिर लिखेंगे स्लैश, फिर डबल डॉट, ठीक है। तो हमने दो बार डबल डॉट लगाया, बीच में स्लैश लगाया, तो बेसिकली यहाँ पे हमें दो स्टेप बैक हमें लेके चला जाएगा। हम करते हैं एंटर। अब देख सकते हैं हम डायरेक्ट इमरान नाम डायरेक्टर के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। ये रहा वन स्टेप, ये रहा टू स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप हो गया राघव, दूसरा स्टेप हो गया यश। ओके, अब हम काम करते हैं, हम दोबारा चलते हैं राघव नाम के डायरेक्टर के अंदर, तो लिखते हैं सी डी यश एंड राघव, ठीक है। अब हम तीन स्टेप बैक आना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सी डी डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश एंड डॉट डॉट, फिर करते हैं एंटर। तो हम थ्री स्टेप बैक आ चुके हैं, राघव पहला स्टेप, यश दूसरा स्टेप, इमरान थर्ड स्टेप। तो जितने बार स्टेप आप लगाना चाहते हैं वहाँ पर डॉट डॉट लगा के एक बार स्लैश लगा दीजिए, वो एक स्टेप आपका कम कर देगा। या फिर आप चाहते हैं डायरेक्ट होम डायरेक्टरी पाना तो आप लिखिए सी डी होम डायरेक्टरी पा सकते हैं, या फिर इसके अलावा सी डी स्पेस और ये जो टिल्डे का साइन है इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आप होम डायरेक्टरी पे आ सकते हैं। तो बेसिकली हम सीधे टिल्डे का साइन का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, वहाँ पे होम डायरेक्टरी लिखनी हो तो हम इसे यूज़ करते हैं, लेकिन इसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बेसिकली हम डायरेक्ट एब्सोल्यूट पाथ का यूज़ करते हैं ताकि हमारा पाथ सही से काम करे, हमारा कोई इशू ना आए। ओके, तो गाइस इस तरीके से आप सीडी कमांड का यूज़ करके अपने डायरेक्टरी में नेविगेट कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, पीछे आ सकते हैं और अपने काम के हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारा जो डॉट डॉट स्लैश और डॉट डॉट जो ये हमारा क्राइटेरिया है, ये हमारा जो ऑप्शन है यूज़ करने का, बेसिकली ये हम सिर्फ और सिर्फ सीडी कमांड के थ्रू नहीं, और भी बहुत सारे कमांड्स हैं अगर हम उसके थ्रू यूज़ करना चाहें, जैसा कि मान लो हम कोई फाइल देखना चाहते हैं या फिर हम किसी फाइल को एडिट करना चाहते हैं वन स्टेप पीछे, तो बेसिकली हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो जब हम फाइल क्रिएट करेंगे तो हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो धीरे धीरे जाके आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि वन स्टेप बैक कैसे इस्तेमाल करना है, टू स्टेप बैक के वाले फीचर को कैसे इस्तेमाल करना है,
किसी डायरेक्टरी के अंदर रहते हुए पिछली डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल है उसके अंदर कैसे काम करना है बिना वहाँ गए, क्योंकि बार बार आप हमेशा हर जगह सीडी कमांड यूज़ करते नहीं रहोगे। आपको पता है कि इतने सारे फीचर्स हमें मिलते हैं देखने के लिए कि अगर हम एक जगह पर काम करते हुए पीछे वाले डायरेक्टर के अंदर हम काम कर सकते हैं तो वहाँ जाने की जरूरत तो बेसिकली नहीं है। ओके, तो गाइस इस तरह से आप सीडी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस कमांड को जाइए प्रैक्टिस कीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं बेसिकली उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँ। तो बस आज के इतना ही, उम्मीद दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कमांड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।